हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाउंड करनी है उस सर्कल की जो इन दोनों सर्कल को मिलाकर और उसका सर्कमफेरेंस इक्वल होता है दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल। ओके, तो आपको गिवन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करें विच हैव सर्कमफेरेंस, जिसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है किसके, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो सर्कमफेरेंस 2πr इक्वल है किसके, 2πr1 प्लस 2πr2। तो 2πr इक्वल होगा आपके, 2π को ले लिया हमने बाहर, r1 प्लस r2 इक्वल टू 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 19 प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है पहले सर्कल की 8 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल की 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2। मतलब ऐसे सर्कल की रेडियस निकालिए जिसके एरिया का सम दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल हो। तो कैसे निकालेंगे इसको, आपको गिवन है एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, आप जो रेडियस हमको निकालनी है उसको मान लेते हैं हम कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। ओके, अब देखिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई को ले लिया बाहर, आर वन कितना है आपका 8 का स्क्वायर प्लस आर टू कितना है आपका 6 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36। तो कैपिटल आर इक्वल टू अंडर रूट, इसका सम क्या होता है 100, तो रेडियस क्या होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस 10 होगी लेकिन हम प्लस वैल्यू को ही लेते हैं क्योंकि नेगेटिव में डिस्टेंस कभी भी मेजर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको एक कार के व्हील की रेडियस गिवन है और कार की स्पीड गिवन है, और वो पूछता है कि ये कार 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस लगाएगी। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम एक रिवॉल्यूशन मान लो ये कार का व्हील है। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगी, इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2πr। ओके, 2πr रेडियस कितनी है उसकी 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80π सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशन में ये 80 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, आप देखते हैं 10 मिनट्स में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, पहले ये निकालते हैं। तो सिंस इन वन आर डिस्टेंस कवर्ड, एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करती है कार, 66 किलोमीटर। ठीक है, देयरफोर इन 10 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, वन आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट, तो 66 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 10 मिनट्स। ओके, क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। ठीक है, अब 11 किलोमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में, तो 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे,
ये जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर की है 10 मिनट में, 10 मिनट्स में, इसको डिवाइड कर देंगे एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस से, तो 11 अपॉन 80 पाई, तो पाई की वैल्यू रख दें यहाँ, पाई मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, ये कट हो गया 11 से 1 लाख, और ये कट हो गया आपका 2 टाइम्स, ओके। आप जीरो से आपकी ये जीरो कट हो गई, इक्वल टू 10,000 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2 से 10,000 कट कर दो तो 5,000 हो गया, 8 से कट कर दिया इसको तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 8, 6 जा 48, कितना बचा 20, 8, 2 जा 16, 8, 2 जा 16, इसको इधर कर लेते, 5,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 8, ओके। तो इसको भाई डिवाइड करिए, 8, 6 जा 48, 20, 8, 2 जा और 5, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7, 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7, 2 जा 14, 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, और 4,375 रिवॉल्यूशन ये कवर करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ये क्वेश्चन गिवन है आपको जिसमें एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और आपको आर्क की वैल्यू गिवन है 13.2 सेंटीमीटर, ओके। ये सर्कल है जिसमें रेडियस है 7 सेंटीमीटर और आर्क ए बी 13.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओके। ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक। सपोज ये एंगल है थीटा डिग्री, कितने डिग्री, थीटा डिग्री, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, थीटा की वैल्यू, ओके। तो आर के बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर के बी होगी किसके इक्वल, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस 2πr, आर की वैल्यू क्या है आपकी 7, क्लियर। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, थीटा इक्वल टू, अब आर के बी कितनी गिवन थी आपको 13.2 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू क्या होगी 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से तो 7 गया, ओके। अब देखते हैं भाई किससे क्या जाएगा, 2 से ये गया आपका 11 टाइम्स और ये हो गया आपका 180, ठीक है। आप इक्वल टू हो गया आपका 132 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 11, 2 से फिर ये कट हो गया 9 टाइम्स और ये कट हो गया आपका 12 टाइम्स, तो थीटा की डिग्री आ गई 108 डिग्री। 108 डिग्री का एंगल ये आर्क बनाती है, तो आपसे पूछता है वो सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 इंटू एरिया ऑफ होल सर्कल, होल सर्कल का एरिया होगा 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट हो गया है, क्लियर। और आपका 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 0, क्लियर। 4 3 जा 12 और 10, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या बचता है आपका, 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 10, ओके। अब मैं आगे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6.6 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 6 जा 48.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या वही सर्कल
जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड गिवन है आपको ए बी, ए बी कॉर्ड सेंटर पर एंगल बनाती है 120 डिग्री का। ओके, तो क्वेश्चन कहता है भाई करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ए पी बी, इस कॉर्ड का जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा ए पी बी, उसका एरिया हमको निकाल कर बताइए। तो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ए पी बी क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो सिंस ओ ए बी इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, तो जब ये आइसोसेलियस ट्राइंगल होगा, देयरफॉर आइसोसेलियस ट्राइंगल में कोई भी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को इक्वल डिवाइड करती है, तो ए एम इक्वल हो गया किसके, 1/2 ए बी के। क्लियर, 1/2 ए बी। आप ओ एम की वैल्यू निकालते हैं 1/2 ए बी, एंड अब ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं दोनों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंड एंगल ए ओ एम इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ओ एम की वैल्यू क्या होगी, ओ एम इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, कॉस 60 इक्वल टू होगा, कॉस 60 क्या होता है, ओ ए अपॉन एच एच ए, तो एडजेसेंट अपॉन हाइट, ओ एम अपॉन ए एम, ठीक है, ओ एम अपॉन ओ ए, ओ ए क्या, ओ ए क्या है आपका 7, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 ओ एम अपॉन 7, तो ओ एम हो गई आपकी 7/2। ओके, सिमिलरली ए एम निकाल लो, सिंस 60 इक्वल टू होगा, सिंस 60 इक्वल टू होगा आपके किसके इक्वल, ए एम अपॉन 7, सिंस 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ए एम हो जाएगा आपका 7√3/2, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल होगा आपका एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ ओ ए पी बी क्या होगा आपका, 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई इंटू 7² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, 1/2 इंटू ए एम इंटू ओ एम, ए एम क्या है आपका 7√3/2 मल्टीप्लाई 7/2। ओके, तो ये हो गया हमारा 22/7, 22/7, ठीक है। ये कट हो गया, 12 × 12, 12 × 3 = 63। ओके, तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7 × 7 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 7 × 7 × √3/4। क्लियर, आप 7 से आपका ये 7 कट हो गया, ठीक है। अब आपकी वैल्यू आएगी 7 × 14 = 154 / 3 माइनस 1/8 = 49√3। ओके, अब आगे अगर और सॉल्व करना है तो रूट थ्री की वैल्यू रख लो और उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स की, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।